ओके सो आज बनाते हैं ये चना मसाला। शादियों में तो ये डिश होता ही है और आपके घर में भी आप बना सकते हैं बस कुछ ही स्टेप्स में। स्टार्ट करते हैं कुछ मसाले से जो कि कुछ यूं हैं। एक दालचीनी, चार लाल मिर्चें, 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 10 काली मिर्चें, 7 इलायची, छोटी इलायची, 6 लवंग और 2 टीस्पून कसूरी मेथी। अब मैं सब मसालों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी 2 से 4 मिनट तक। ड्राई रोस्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बिल्कुल स्किप ना करें इसको, इससे ही फ्लेवर आएगा। अब मैं इसको ब्लेंडर में ट्रांसफ़र करके इसको पाउडर कर लूँगी। अब हमारे छोले मसाले हो गए हैं रेडी। अब एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया और इसको गर्म कर लूँगी और फिर इसमें 2 अनियन चॉप करके डाल दूँगी। इसको फ्राई कर लेंगे तब तक इसका कलर ना चेंज हो। अभी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी 2 टीस्पून। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर 2 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी डाल दूंगी। आप टमाटो ब्लेंडर में पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने भी वही किया है। तो इस टमाटो प्यूरी को भी अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल दूंगी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी और पहले बनाया हुआ जो छोले मसाले हैं वो भी डाल दूंगी। और इसको जल्दी जल्दी फ्राई कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो जले ना। फिर मैं इसमें 1 कप पानी भी डाल दूंगी ताकि सब मसाले अच्छे से मिल जाए। फिर धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। कुछ देर बाद इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। अब इसमें उबले हुए काबुली चना या फिर छोले आप डाल सकते हैं। आप इसमें उबले हुए काली चने भी डाल सकते हैं और चने को मसाले से अच्छे से कोट कर लेंगे और वापस 1 कप पानी डाल देंगे। फिर नमक अच्छे से डाल देंगे। मैं नमक आखिर में डाल रही हूँ ताकि मुझे क्वांटिटी का अंदाज़ा रहे और नमक ठीक रहे। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ कुछ कटी हुई हरा धनिया और 2 बीच में से कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे और इससे हमारे छोले मसाले रेडी हो गए हैं। अभी मैं इसको सर्व करूँगी। सर्व कर रही हूँ अनियंस के साथ, धनिए के साथ और नींबू के साथ। और यहाँ पे मैं कुछ तली हुई आलू भी रखे थे उसके भी साथ मैं सर्व कर रही हूँ। और ये आप घर पे बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए, अपने लिए बनाइए। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बाय।